SPN9 News में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। WFI के नए अध्यक्ष बने संजय सिंह के साथ पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह और बीजेपी सांसद का रिश्ता क्या कहलाता है, इसकी वजह से जब कल यहां WFI के अध्यक्ष चुने गए, जो संजय सिंह है जो नया यहां पर अध्यक्ष बनाए गए हैं WFI के, इन दोनों को लेकर यहां काफी ज्यादा अफरा तफरी देखने को मिली। जो कि यहां पर मैं बता दूं आपको कि साक्षी मलिक जो पहलवान है उन्होंने यहां पर पहलवानी छोड़ने तक की बात कर दी और यहाँ रिटायरमेंट लेने की बात कर दी। आपने वो वीडियो सोशल मीडिया पर भी देखा होगा जिसमें पहलवान जो रेसलर है साक्षी मलिक वो रोती हुई नजर आ रही है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को कोसती नजर आ रही है। इसके पीछे का क्या कारण है आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। बताते चले आपको कि यहाँ पर ब्रजभूषण सिंह के बाद जो नए WFI के अध्यक्ष बने हैं संजय सिंह, वो बहुत करीबी हैं यहाँ पर ब्रजभूषण सिंह के, जिसकी वजह से यहाँ पर आपत्ति जता रहे हैं जितने भी पहलवानों ने एक वक्त पर प्रोटेस्ट किया था। इसी बीच आपको बताते चले कि यहाँ पर संजय सिंह को अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे एक बड़ी वजह भी यहाँ सामने आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर ब्रजभूषण सिंह का और साथ ही साथ WFI अध्यक्ष संजय सिंह ने खुद ही यहाँ पर बता दिया कि आखिरकार क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच में। इसी बीच आपको बताते चले कि यहाँ पर साक्षी विनेश फोगाट के आंसुओं के बाद लामबंद हुए हैं पहलवान। नए WFI अध्यक्ष और ब्रजभूषण के खिलाफ फिर से यहाँ पर मोर्चा खुलता नजर आ रहा है। और देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि संजय सिंह और ब्रजभूषण ने यहाँ पर एक लाइन कही है जिसमें यहाँ पर दिखा दें आपको कि एक पोस्टर वायरल हो रहा है, दबदबा है और दबदबा रहेगा। क्या मतलब है इस पोस्टर का? भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के सहयोगी संजय सिंह को चुना गया। वहीं संजय सिंह की जीत के बाद WFI के पूर्व अध्यक्ष यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे और गोंडा से बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण सिंह की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि ट्विटर पर शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया। देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए फोटो में प्रतीक भूषण के हाथ में एक पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है, दबदबा तो है दबदबा रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है। वहीं इस पोस्टर पर एक तरफ WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और दूसरी तरफ है यहाँ पर नए अध्यक्ष संजय सिंह का फोटो लगा हुआ है। इसके साथ ही प्रतीक भूषण ने एक वीडियो भी शेयर किया। इस वीडियो में साधु संतों ने यहाँ पर लगातार जो है कह सकते हैं कि साधु संतों ने यहाँ पर बड़ी बात यहाँ कही है। और आपको बताते चलें कि यहाँ पर जब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ लगातार जो पहलवान है वो प्रोटेस्ट यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने ये 2 महीने पहले ही बता दिया था कि WFI के अध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह को ये पहले ही ज्ञान था कि उनके करीबी को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहिएगा SPN9 News। धन्यवाद।